सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्नैपसीड ऐप को सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस प्लस वाले आइकन पर एक बार टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद गैलरी की सारी फ़ोटोज आ जाएंगी। जिस फ़ोटो को आपको एडिट करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम लोगों को पेंसिल वाले आइकन पे एक बार टाइप करना है और नीचे जाकर ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद डार्क वाले ऑप्शन पे लेकर हल्का सही से कम कर देना है, लगभग 8 के पास, -8। सिंपली डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट का ऑप्शन, इस पर एक बार टाइप करेंगे, फिर ब्लैक एंड वाइट पे एक बार टाइप करेंगे, ब्रश वाला ऑप्शन आएगा उस पर एक बार टाइप करके इस वाले ऑप्शन को ओपन करके इसको -0 कर देंगे। उसके बाद जूम करके फेस को साफ कर लेंगे, हम लोग हेयर को साफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फटाफट से मैं साफ़ कर लेता हूँ, आपका टाइम भी बचेगा। साफ़ करने के बाद सिंपली आप लोग सही वाले आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो को डन कर लें। फिर यहाँ सिंपली आप लोग बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद क्या करना है, फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर ऐसे नीचे आए, फिर विन टैग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिंपली आप लोगों को एक बार टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद 6 नंबर का जो ऑप्शन है इसे जितना पे सेट है उसे रहने दें। सिंपली आप लोग सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर इस फ़ोटो को सेव कर लें। सेव करने के बाद फिर वही ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर व्यू एडिट पे एक बार टाइप करके विन टैग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके, तो इस तरह करके इसको माइनस करके 0 पे लाकर फिर फेस को हम लोग सिंपली ऐसे साफ कर लेंगे। जहाँ जहाँ आपका स्किन है वहाँ वहाँ ऐसे ब्रश कर देंगे। फिर सिंपली हम लोग सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर देंगे, फिर यहाँ से बैक चले जाएंगे। सिंपली आप लोग को फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको गैलरी में लेकर चला जाएगा। यहाँ पर एक PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग कुछ इस टाइप के पैर के पास इस तरह से लगा देना है, फिर इस वाले ऑप्शन पर करके लाइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसको सेट कर लेना अपने हिसाब से। करने के बाद सिंपली आप सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली इस बार पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपने फेस पे लगाकर कुछ इस टाइप से छोटा कर इसको ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो एकदम बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए। फिर यहाँ पे स्थिर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।